नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जहां एक तरफ आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल देखने को मिल रहा है, वहीं साउथ की एक फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है कार्तिकेय 2। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही। हालांकि शुरुआत में इस फिल्म को उतने स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे, लेकिन दर्शकों की मांग बढ़ने के बाद फिल्म के स्क्रीन्स भी बढ़ने लगे। दर्शक फिल्म के स्क्रीन्स बढ़ाने की मांग करने लगे और कुछ तो इस फिल्म को देखने के लिए कई किलोमीटर का सफर कर सिनेमा घर तक पहुंचे। इस फिल्म ने हिंदू संस्कृति का जैसा जिक्र किया है और उस पर आधारित कहानी कही है, वो सराहनीय कदम है और शायद इसीलिए दर्शक इस फिल्म को उतना प्यार दे रहे हैं। जहां लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म थिएटर पर नहीं चल पाई, वहीं एक छोटी सी फिल्म जिसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था वो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा जैसी ऐसी फ्लॉप दी है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन में 11 करोड़ के आसपास का कारोबार किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए फिल्म की कमाई घटती चली गई। पहला हफ्ता गुजरने के बाद तो इस फिल्म की कमाई 2 करोड़ पर आकर रुक गई। इस फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो गए और अपने 10वें दिन पर यह फिल्म 1,50,00,000 का ही कारोबार कर सकी। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी इस लीग में ही रही और उस फिल्म ने 8 करोड़ रुपए के आसपास पहले दिन की कमाई की, लेकिन अपने 10वें दिन तक आते आते वो मात्र 1 करोड़ रुपए के आसपास आकर रुक गई। अब यही अगर कार्तिकेय 2 जैसी छोटी फिल्म की बात करें जिसे रिलीज के दौरान ना के बराबर स्क्रीन्स मिले, जो फिल्म इन स्टार्स के आगे टिकती नहीं है, उस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से सभी को चौंका दिया। शुरुआत में इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में मात्र 50 शो मिले और इसने 7,00,000 हिंदी बेल्ट से कमाए। फिर इसके शो बढ़ने की मांग हुई और जैसे जैसे शो बढ़े इस फिल्म की कमाई भी बढ़ने लगी। इस फिल्म ने संडे को लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन से भी ज्यादा कमाई की। फिल्म ने 10वें दिन 4,07,00,000 की कमाई की। कहना गलत नहीं होगा कि निखिल सिद्धार्थ और अनुपम खेर की फिल्म कार्तिकेय 2 से आमिर और अक्षय को बॉक्स ऑफिस पर करारी मात मिली। इस फिल्म ने अभी तक हिंदी बेल्ट से ही करीब 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब अगर लाल सिंह चड्ढा फिल्म की कमाई की बात करें तो उसने अब तक लगभग 55 करोड़ रुपए का कारोबार किया, वहीं रक्षाबंधन ने अब तक कुल 39 करोड़ के आसपास का कारोबार किया। लेकिन एक फिल्म जिसने सबको चौंका दिया वो है कार्तिकेय 2, जिसने अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कार्तिकेय 2 ने सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार किया। ऐसे में ये सबसे हैरानी की बात है कि जब आपके सामने आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स हो, तब आप ऐसे स्टार को पीछे कर खुद बॉक्स ऑफिस पर छा जाएं, तो ये इस फिल्म के मेकर्स के लिए बड़ी जीत है। बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों का लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है। आमिर खान अपने पुराने बयान और हिंदू देवताओं का अपमान करने की वजह से लोगों के निशाने पर है। लोग जमकर उनकी फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध का नतीजा है कि उनकी फिल्म को कार्तिकेय 2 जैसी फिल्म मात दे गई। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कार्तिकेय 2 आने वाले दिनों में लाल सिंह चड्ढा का और कितना बुरा हाल करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।